क्या हो रहा है ये सब? क्या तुम बात कर सकते हो? तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है। तुम्हारा नाम क्या है? विनय। मेरा भी। क्या तुम भी मुझे आईने में देख पा रहे हो? हाँ, तुम भूत तो नहीं हो? यही मेरा भी सवाल है, लेकिन ये हो क्या रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे तुमसे कोई खतरा तो नहीं है ना? तुम इसमें से बाहर नहीं आ सकते ना? लगता है कोई आ रहा है, मुझे इसे जल्दी छुपाना होगा। तुम भी छुपा दो, बाद में मिलते हैं। तुम्हारे अंगूठे में क्या हुआ है? वो थोड़ा कट गया था। हाँ। अरे उसका बात मत कर, ईंट जोड़ता है और खुद को बहुत बड़ा कलाकार समझता है। भाई साहब, जो जो चीज़ करता है उसके लिए वो कलाकारी ही तो होता है। जैसे ये मैं नारियल काट सकता हूँ, वैसे हर कोई थोड़ी ना काट सकता है। क्या बात कर रहे हैं भाई, लाइए आपका भी गलत फहमी दूरी कर देता हूँ। नारियल पानी के बजाय निकल गई ना आपकी पानी, लाइए इधर। बताओ, कुछ समझ में आया?
तो अपने बारे में बताओ। एकदम सेम टू सेम, मतलब हम और तुम एक ही हैं। तुम्हारा आईना कैसे मिला? मैंने तो ऑनलाइन ऑर्डर किया और जैसे ही खोला चमत्कार शुरू हो गया। मैंने भी ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था, लेकिन कल होकर चमत्कार शुरू हो गया। ये उंगली कैसे कटा तुम्हारा? वो मैं नारियल वाले के सामने डींगे हाँक रहा था, मेरे ही गलती से कटी। अभी टाइम कितना हो रहा है? 6। इधर भी 6 बज रहा है। अगर तुम्हारा दुनिया मेरा दुनिया एक दूसरे का मिरर है, तो तुम्हारा उंगली बाद में क्यों कटा? एक मिनट, तुम्हारे तरफ डेट कितना हो रहा है? 10/6/2021। मेरे तरफ 9/6/2021। मतलब तुम्हारा दुनिया मेरे दुनिया से 24 घंटा आगे है। इसलिए कल मेरा उंगली कटा था, आज तेरा कट गया। मतलब तुम्हारे साथ जो होगा वो मेरे साथ भी होगा? हाँ शायद। मतलब मैं फ्यूचर जान सकता हूँ 24 घंटे का? हाँ। तो अगर मैं फ्यूचर जान सकता हूँ तो बदल भी सकता हूँ, लेकिन ये शायद खतरनाक भी हो सकता है। जो भी हो, आजमाना तो पड़ेगा। तो चल बता, कल क्या खास होने वाला है? खास नहीं, बकवास होने वाला है। मोबाइल खो जाएगा तुम्हारा। अब जान गया ना, नहीं खोएगा। मिलते हैं कल इसी टाइम। सब मेरी गलती है। मैं उसे नहीं भेजता तो वो इस दुनिया में रहता। अच्छा, जो होना था वो हो गया, सब्र रखो। वो तो जाने से मना कर रहा था, मैंने ही जबरदस्ती भेजा। बोल नहीं जाता तो एक्सीडेंट नहीं होता ना। क्या करोगे, होने को कौन टाल सकता। तुम्हारा भेजना तो एक बहाना था, जो होना रहता है वो होकर रहता। मोबाइल नहीं खोया। जिसे नहीं जानते उसे नहीं बदल सकते, लेकिन जो जानते उसे तो बदल ही सकते हैं। हाँ मैं घर पर ही हूँ, आ जाइए, तब तक मैं पैक करता हूँ। Thank you.
बकवास प्रोडक्ट है, सही से काम नहीं कर रहा है, दिखाते कुछ और है, बेचते कुछ और है। और हाल सुनाओ अपना और अपने मोबाइल का। मैं तुम्हारे सामने हूँ और मोबाइल सुनने सुनाने के लिए नहीं है। मतलब सारी कोशिश नाकाम रही और जो होना था वो होकर रहा। हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो, मतलब जो होने वाला है उसे हम बदल नहीं सकते शायद, लेकिन हम ऐसे हार नहीं मान सकते। हो सकता है ये कोइंसिडेंस हो, लेकिन हमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। हमारे छेड़छाड़ का कुछ भयानक परिणाम भी हो सकता है। अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, और होगा तो देखा जाएगा। वैसे कल कुछ खास? तो दोस्तों कैसा लगा ये कहानी और एपिसोड और कंसेप्ट कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आगे क्या हो सकता है और कितने एक्साइटेड है अगला पार्ट देखने के लिए, और क्या अगले पार्ट में क्या हो सकता है, क्या आप सोच सकते हैं। तो अपनी दूरदर्शिता आप कमेंट बॉक्स में दिखाइए, बाकी वीडियो को लाइक करिए और सपोर्ट करिए, और नेक्स्ट संडे क्या अगले पार्ट में होने वाला है ये आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद। और इसी तरह प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और इसको ढेर सारा प्यार दीजिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन बन पड़े आगे और भी अच्छे अच्छे कंसेप्ट पे काम करने का।